स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने माँ काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था जिन्होंने माँ काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था वो कहते थे ये संपूर्ण जगत ये चराचर सब कुछ माँ की चेतना से व्याप्त है यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था स्वामी विवेकानंद को मां काली की जो अनुभूति हुई उनके जो आध्यात्मिक दर्शन हुए उसने उनके भीतर असाधारण ऊर्जा और, और सामर्थ्य का संचार किया था स्वामी विवेकानंद जैसा ओजस्वी व्यक्तित्व इतना विराट चरित्र लेकिन जगन माता काली की स्मृति में उनकी भक्ति में वो छोटे बच्चे की तरह विहवल हो जाते थे भक्ति की ऐसी ही निश्चलता और शक्ति साधना का ऐसा ही सामर्थ्य मैं हमेशा पूज्य स्वामी आत्मस्थानंद जी के भीतर भी देखता था और उनकी बातों में भी मां काली की चर्चा होती रहती थी और मुझे याद है जब भी बेलूमर जाना हो गंगा के तट पर बैठे हो और दूर मां काली का मंदिर दिखाई देता हो तो स्वाभाविक एक लगाव बन जाता था जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है इसलिए मां काली का वो असीमित असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है